मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करूंगा बीएससी सेकंड सेमेस्टर बोटनी का सिलेबस के बारे में बात करूंगा, फुल डिस्कशन करूंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप पढ़ लेंगे कि आपका एग्ज़ाम को आसानी के साथ पास करने के साथ साथ अच्छे परसेंटेज भी लाएंगे। तो आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। अगर आपको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी प्रकार की जीके जीएस स्टडी बीएससी रिलेटेड एमएससी रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हम चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आपको बता दें इस चैप्टर में जो हमको क्या पढ़ना है, आपको मोस्टली मॉडिफिकेशन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी रिप्रोडक्शन आपको बैक्टीरिया और के बारे में नहीं बल्कि प्लांटों के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक्टीरिया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको सिलेबस के बारे में ले चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं आपके सिलेबस से, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है आपको बता दें। ब्रायोफाइट्स जो कि आपका पहला यूनिट है इसके बारे में बात कर लें, आपका पहला यूनिट है ब्रायोफाइट्स। तो इसमें अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं, अगर हमारे चैनल के द्वारा आप पढ़ते हैं, तो इस चैनल पे आपको हर एक यूनिट की वन शॉट वीडियो के साथ साथ इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी। तो आप चैनल पे जरूर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप तो शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइट्स, जिसमें आपको टोटल 8 लेक्चर लगेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को आपको ख़त्म करने में। हम सिलेबस की बात कर लें तो इसमें मार्केंसिया की मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। मार्केंसिया एक प्लांट जो कुछ इस प्रकार से इसका प्लांट होता है, इसमें क्या होता है आपको गेमा कप होता है, इस प्रकार से कुछ गेमा कप होता है जो कि मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। गेमा कप होता है, स्पेंगम के बारे में पढ़ना है, स्पेंगम भी एक जो है कि प्लांट होता है ब्रायोफाइट्स के अंडर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है जो है एरिक्सिया के बारे में, और आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एंथोसीरोस के बारे में पढ़ना है इसी चैप्टर में। उसके बाद सेकंड यूनिट आपका आता है टेरिडोफाइट, इसमें कुल मिला के आपको 7 लेक्चर लगेंगे इसको ख़त्म करने में। तो हम बात करते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट थोड़ा सा डेवलप्ड कैटेगरी होता है ब्रायोफाइट्स की दोस्तों। हाँ, आपको बता दें इसमें लाइकोपोडियम हैबिटेट स्टेम एंड स्टोबिलस के बारे में पढ़ना है, जो कि उसके अलावा आपको सीला जीनेला के बारे में पढ़ना हैबिटेट उसका, रोजोफोर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन एक्सिस विद स्टोबिलस के बारे में भी पढ़ना है हमको। उसके बाद मेगा स्पोरोफिल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फटाफट से इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो मैं फटाफट से इस चैनल पे कल से लगातार वीडियो आएंगी बीएससी की, लगातार कंटिन्यू हर वीडियो आएंगी और लगातार इस पर लाती रहती हैं वीडियो, कुछ दिनों से नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आपको बताते हैं टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट में आपका एजोला बचता है टॉपिक। एजोला भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक, हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर जो इसका पढ़ना है हमको इस यूनिट में, हमको सेकेंड यूनिट में। चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। तो थर्ड यूनिट आप देख सकते हैं आपके सामने है, आपके सामने रख दिया गया थर्ड यूनिट, जिसका नाम है आपका जो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आपका है, इसमें टोटल 8 लेक्चर आपको लगेंगे इसको ख़त्म करने में। इस चैप्टर को 8 लेक्चर लगेंगे, बिल्कुल 30 से 1 घंटे का लेक्चर आपका लगेगा, जो कि 8 लेक्चर चाहिए, मतलब 8 घंटे आपको इस चैप्टर को देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं साइकस के बारे में आपको पढ़ना है, सीडलिंग को कोरेलेड रूट, कोरेलेड रूट टी एस लेफ्टेड एंड रेजिस मैक्रो मेगा फोर मेल वस्कुलर मेगा स्पोरोफिल टी एस इंटायर एंड ओव्यूल पाइनस के बारे में पढ़ना है। साइकस पाइनस जो कि बिल्कुल प्लांट है, इनडेफिनिट ग्रोथ किस प्रकार से इसमें होता है, इफ़ी डेरा थूजा के बारे में पढ़ना है। तो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इसी चैनल पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ है यूनिट आपका है पैलियोबोटनी एंड पैलियोनोलॉजी, इसमें भी आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया फॉसिल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से फॉसिल्स जो एक सॉइल के अंदर किस प्रकार से सॉइल के अंदर दबे रहते हैं, फॉसिल्स पुराने समय में किस प्रकार से यहाँ पे जो प्लांट लांट जो थे सब गिरे थे, किस प्रकार से फॉसिल्स का रूप ले लेते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको वीरबल सानी जो कि असिस्टेंट पेलियोबोटनी के जनक माने जाते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्ट 6 यूनिट में, बिल्कुल 6 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको और शॉर्ट में करने का प्रयास करूँगा, बिल्कुल आपका जुलाई से पहले ही, आपके एग्ज़ाम से पहले ही हमारे चैनल पे आपका बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। कल से लगातार इस पर वीडियो भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगी। एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी पढ़ना है आपका अगला यूनिट, 5वां यूनिट आपका है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्म आपको बता दें इसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया जाएगा, इसका फ्रूट और उसका फल जो है उसके बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका जो है बताया जाएगा। आप इसको सिलेबस के स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट स्टेम लीव्स आपको एंजियोस्पर्म बताएगा, जो कि थोड़ा सा और डेवलप्ड कैटेगरी होता है, किसका जिम्नोस्पर्म का डेवलप्ड कैटेगरी होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट ज़्यादा 6वां यूनिट, जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आपका माना जाता है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टोटल 8 लेक्चर लगेंगे आपको इस यूनिट को बिल्कुल खत्म करने में आसानी के साथ। इसमें आपको एनालोमा सेकेंडरी थिकनिंग एंड बिगोनोमिया ट्राइकेना एंड बिहोरेविया डिफ्यूजा एंड नाइकथेनस के बारे में पढ़ना है, स्टडी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन द रूट एंड स्टेम ऑफ मोनोकट एंड डाइकट बाई सेक्शन कटिंग ऑफ परमानेंट स्लाइड से भी पढ़ना है। आपको पता है परमानेंट स्लाइड होता है और एक टेम्प्रोरी स्लाइड होता है, आप लैब में अगर गए होंगे तो कुछ इस प्रकार से स्लाइड आपको देखने को मिलता होगा, और ये इसको कवर स्लिप बोलते हैं। तो आपको हर एक चीज़ के बारे में इस पे बताया जाएगा।
इसका छठी आपका यूनिट आता है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। आपको पता होता है रिप्रोडक्शन किस प्रकार से प्लांट में होता है, कुछ इस प्रकार से एक प्लांट होता है, इसका फ्लावर कुछ इस प्रकार से होता है, उसमें कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं पोलिन ग्रेन, और यहाँ पर होता है आपका जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो इस प्रकार से होता है, और पोलिन ग्रेन आता है इसके अंदर जो है कि डिएसेंस करता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। उसके बारे में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बॉटनी के अंदर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे गाइस। उसके बाद आपका अगला यूनिट आता है जो लास्ट यूनिट, आठवां यूनिट, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको मोस्टली बता दें, कॉमर्शियली यूजेस पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये जो हम इधर पढ़ते हैं सब कुछ, इस सबका इसके यूजेस क्या है, जिसकी एजोला का रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हम करेंगे, हमारा कॉमर्शियली फ़ायदा होगा, मनी के रूप में फ़ायदा होगा, उसका टेक्नोलॉजी के रूप में फ़ायदा होगा, और प्रोडक्शन ऑफ प्रोफेगेशन ऑर्नेंटल पेट्री सेंट सैनिकेडल कोनियोफेरल्स फॉर लैंडस्केप एंड लाइव मेथड ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी जो है स्टडी करने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको बेहद पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे अगर आप किसी भी प्रकार की फील्ड की वीडियो चाहेंगे तो हर प्रकार की बस आपको कमेंट करना रहेगा वीडियो के लास्ट में जाकर। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो